हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका में मास शूटिंग का एक और वाकया, ताज़ा तरीन तफसीलात आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, शुरू करते हैं व्यू 360। अमेरिकी महकमा दिफा का रिकॉर्ड बजट, फंड्स कहां से आएंगे? कराची का एक शेल्टर होम जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कोई ये नहीं कभी बावर होने दिया कि भैया रिलीजन क्या है, ये है एक ह्यूमैनिटी है, मोहब्बत है। और नुकसानदेह पौधों से फायदा हासिल करने वाला एक आर्टिस्ट। Some people who volunteer to pull weeds are called weed warrior. अमेरिकी रियासत टेक्सास आज अपनी हालिया तारीख की बदतरीन मैस शूटिंग के असरात से निमट रही है। इतवार के रोज सदरलैंड स्प्रिंग के इलाके में लोग इबादत के लिए चर्च में जमा थे, जब एक शख्स ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में कम अज कम 26 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए हैं। हमले के कुछ देर बाद पुलिस को शूटर मुर्दा हालत में उसकी गाड़ी में मिला, तहम ये वाजे नहीं कि उसने खुदकुशी की या वो एक और शहरी की गोली से हलाक हुआ। अब तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक शूटर एक सफ़ेद फाम नौजवान है जो बुलेट प्रूफ जैकेट और स्याह कपड़ों में मलबूस था। उसने बड़े पैमाने पर गोलियाँ क्यों चलाईं इसकी वजह फिलहाल सामने नहीं आई। हलाक होने वालों की उम्रें 5 से 72 साल के दरमियान हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया के दौरे पर हैं। इस वाक़े के बारे में जापान में बात करते हुए सदर ने इसे अमरीका में हथियारों की आसान दस्तयाबी का नहीं बल्कि जहनी सेहत का मसला करार दिया। यहाँ जहनी सेहत के मसाइल हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला आवर जहनी तौर पर एक इंतहाई बीमार शख्स था जिसे एक तवील अरसे से बहुत से मसाइल का सामना था। हमें दूसरे ममालिक की तरह जहनी सेहत के मसाइल का सामना है, लेकिन ये गन्स का मसला नहीं है। खुशकिस्मती से एक दूसरे शख्स ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, वरना ये नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था। टेक्सास के जिस इलाके में मैस शूटिंग का ये वाकया हुआ उसकी आबादी 900 अफराद से भी कम है, तो आज उनमें से 26 हलाक हो चुके हैं। एक ऐसी आबादी जहां सभी एक दूसरे को जानते थे, इस वाकये के बाद कैसा महसूस कर रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस अफसोसनाक वाकये के बाद हमले का निशाना बनने वाले चर्च के बाहर हलाक होने वालों की याद में शमे रोशन की गई। मैंने वियतनाम जंग के बाद इस तरह का कोई वाकया नहीं देखा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं शूटर को जानती थी, वो चर्च आता था लेकिन इसका मेंबर नहीं था। क्योंकि उसके कई खानदान वाले भी हलाक होने वालों में शामिल हैं, मैं इसके बारे में मजीद कुछ नहीं कहना चाहती। हमलावर ने टेक्सास के इस छोटे से कस्बे के फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च में इतवार के रोज इबादत की रसूमात को हलाकत खेज बना दिया। वो इमारत में एक अजॉल्ट राइफल से फायरिंग करता हुआ दाखिल हुआ और न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां मौजूद लोगों की कुल तादाद के तकरीबन निसफ को कत्ल कर डाला। हम अपनी तारीख के सबसे बड़े कत्लेआम का सामना कर रहे हैं। ऐसे बहुत से खानदान हैं जिन्होंने अपने खानदान के अफराद, वालिदैन, बेटों और बेटियों को खो दिया है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये वाकया एक इबादत वाली जगह चर्च में हुआ है। हमलावर बाद में एक शहरी के साथ मुकाबले के बाद गाड़ी में मुर्दा पाया गया। सदर ट्रंप इस वक्त 5 एशियाई मुल्कों के दौरे पर हैं। उन्होंने इस वाकये पर अपने रद्द अमल का इजहार यूं किया। We join hands, we lock arms, and through the tears and through the sadness, we stand strong, oh so strong. ये हमारे और हमारी कम्युनिटी के लिए शदीद अलमनाक है। टेक्सास में कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने प्यारों को खोया है, लेकिन उनका अकीदा मजबूत है। और अब कुछ बात पाकिस्तान की। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान राबतों के फरोग और एक दूसरे के मौकफ को बेहतर अंदाज में समझने के लिए इस्लामाबाद में रीजनल पीस इंस्टीट्यूट ने एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर बात करते हुए पाकिस्तान के लिए अमरीकी सफीर डेविड हेल ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया, लेकिन साथ ही हक्कानी नेटवर्क और दीगर ग्रुपों को खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा करार देते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई पर जोर दिया।
جبکہ امریکہ کا عزم طالبان کو عسکری لحاظ سے کامیاب نہ ہونے دینا ہے. پاکستان افغان حکومت اور طالبان کے مابین ہونے والے کسی ممکنہ سمجھوتے میں اپنے جائز مفادات کے تحفظ کو یقینی بنا کر اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ مکمل طور پر ان سے انکار کرتے ہیں، تاہم ڈائیلاگ اتفاق رائے پر پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. امریکہ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے یا جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مکمل اتفاق رائے نہیں ہے. آبجیکٹو ایک ہے اور وہ امن ہے افغانستان میں. اگر آبجیکٹو ایک ہے تو میرا خیال ہے گفتگو کے ذریعے جو ہے وہ اپروچ بھی ایک ہو سکتی ہے. الزام تراشی کی بجائے ہمیں ایسے راستے اختیار کرنے چاہیے جس سے ہم اپنی منزل کی طرف جو وہ تیزی کے ساتھ جو ہے پہنچ سکیں، یا ام جو ہے جو ابھی تک الیوسیو رہا ہے وہ ام جو ہے ہم پا سکیں. امریکہ میں 2018 کے دفاعی بجٹ کے لیے تقریباً $700 ارب مختص کیے گئے ہیں. اس میں $60 ارب افغانستان، عراق اور دیگر محاذوں کے لیے رکھے گئے ہیں. یہ بجٹ اس حد سے زیادہ ہے جو اوباما حکومت نے دفاعی اخراجات کے لیے متعین کی تھی. امریکی فوج کو ریکارڈ مالی وسائل کیسے دیے جائیں گے، یہی جاننے کی کوشش کی ہے سباشا خان نے. امریکی ڈیفنس بجٹ اپنی حد سے تجاوز کرنے کو ہے. ایسا ہونے کی صورت میں جنوری کے مہینے سے دفاعی اخراجات میں کٹوتی کا عمل از خود شروع ہو جائے گا، جس کا اثر جنوبی ایشیائی خطے کے لیے امریکی حکمت عملی پر پڑ سکتا ہے. اگر ایسا ہوا تو کیا پاکستان کے لیے خطے میں صورتحال بدل سکتی ہے؟ ہم افغانستان میں اپنے آپشنز پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کے بغیر جاری نہیں رکھ سکتے، اور صدر ٹرمپ نے پاکستانی ملٹری کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اچھی حکمت عملی وضع کی ہے، اور وقت کے ساتھ اگر ہمیں فنڈنگ نہیں ملتی تو ملٹری کے لیے خوش اسلوبی سے کام کرنا مشکل ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ پاکستان کو اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں. ہم کچھ لو اور کچھ دو کی ماضی کی پالیسی اپنا سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں اپنا طریقہ بدلنا پڑے. اس وقت بجٹ امریکی سینٹ میں زیر غور ہے، لیکن اس پر اتفاق رائے اتنا آسان نہیں، کیونکہ دفاعی بجٹ کی لڑائی میں ایک طرف تو وہ ہیں جو کھل کر دفاع پر خرچ کرنے کے حامی ہیں، اور دوسری جانب وہ جو مالی اخراجات کم کرنے کی جانب مائل ہیں، اور دونوں ہی اپنے موقف پر ڈٹے نظر آتے ہیں. اگر ہم فوج کے لیے فنڈنگ نہیں حاصل کر سکتے تو افغانستان، عراق، شام اور شمالی کوریا کو روکنے کے لیے وہ کس طرح خوش اسلوبی سے کام کرے گی؟ کانگریس میں اپنے 17 برسوں میں نے اتنی بد نظمی کا شکار ادارہ نہیں دیکھا، تو پینٹاگون کے لیے کچھ کٹوتی اتنی بری بات نہیں. اس سے وہ نئی حکمت عملی اور تخلیقی انداز سے سوچنے پر مجبور ہوں گے. نیو امریکہ کے جان ڈیمسی کے خیال میں ٹرمپ انتظامیہ ڈیفنس بجٹ میں ممکنہ کٹوتی سے ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے فوج کے خفیہ پروگرامز کی فنڈنگ کے لیے بنائے گئے اوکو، یعنی اوورسیز ایمرجنسی آپریشنز فنڈ کا سہارا لے گی، کیونکہ یہ 2011 کے بجٹ ریگولیٹوری ایکٹ کے تحت لازمی کٹوتی سے مستثنا ہے. میرے خیال میں اوکو فنڈز کی درخواست پوری کر دی جائے گی. در حقیقت کنٹنجنسی آپریشنز فنڈز چند سالوں میں بڑھ گئے ہیں، اور انتظامیہ ایسا لازمی کٹس سے بچنے کے لیے کر رہی ہے. اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ کاٹیں گے تو آپ کو ڈپلومیسی کی کمی ملٹری سے پوری کرنی پڑے گی. امریکہ کے دفاعی خرچ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 10 ترقی یافتہ ترین ممالک کے دفاعی خرچ کو جمع کیا جائے تو بھی یہ امریکی دفاعی خرچ سے کم ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بجٹ میں کٹوتی، خطے کے پارٹنرز پر بڑھتا ہوا انحصار اور فوج کو وسیع اختیارات دینا، بظاہر لگتا ہے کہ امریکہ اپنی بساط سمیٹنے کو ہے. کم از کم اگر مستقبل قریب میں نہیں تو مستقبل بعید میں ضرور، اور یہ بھی صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں میں سے ایک ہے. سباشا خان، اردو وی او اے، واشنگٹن. پاناما پیپرز کے 1.5 سال بعد اب پیراڈائز پیپر سامنے آئے ہیں. برطانیہ کی ملکہ الزبت اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز سمیت کس کس نے ٹیکس سے بچنے کے لیے بیرون ملک اثاثے رکھے، یہ جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر، جہاں اہم خبروں کے علاوہ آپ کے لیے دلچسپ ویڈیوز اور فیچرز بھی موجود ہیں. اور امریکی صدر ٹرمپ ایشیا کے 12 روزے دورے پر ہیں. اپنے پہلے پڑاؤ میں انہوں نے جاپان کی قیادت سے تجارت اور شمالی کوریا کے جوہری عزائم پر بات کی. اس موقع پر جاپان نے شمالی کوریا کے 35 گروہوں اور افراد کے اثاثے منجمد کرنے کا اعلان کیا ہے. دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اور اہم خبریں آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں. ویتنام میں تباہ کن طوفان سے مرنے والوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے.
जबकि 27 अफराद अब भी लापता हैं। तूफान से घरों की छतें, बिजली के खंभे और दरख्त उखड़ गए। शदीद बारिशों से तकरीबन 1.25 लाख घरों को नुकसान पहुँचा है। अफगान हुकाम का कहना है कि सूबे कंदूस में जुमे को होने वाले नेटो हमले में 13 शहरियों की हलाकत की बाकायदा तहकीकात की जा रही है। अफगान, अमेरिका और नेटो हुकाम ने वाकये की अलहदा अलहदा तहकीकात का आगाज कर दिया है। लबनान के मुस्ताफी वजीर आजम साद हरीरी ने रियाद में सऊदी फरमा रवा से मुलाकात की है, जबकि लबनान की सियासी जमात हिजबुल्ला का कहना है कि साद हरीरी ने सऊदी अरब के दबाव में आकर इस्तीफा दिया। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने यमन में नए फजाई हमलों का आगाज कर दिया है। अल हुर्रा टीवी के मुताबिक हालिया हमलों में सना में मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी बिल्डिंग और महकमा दाखिला को निशाना बनाया गया। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great idea. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360. सिर्फ आज न्यूज़ पर। ट्रंप इंतजामिया ने दुनिया भर में जबर का शिकार अकलियती ग्रुहों को इमदाद देने की पॉलिसी में तब्दीली का इशारा दिया है। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने मसीहियों के बैन अल-अक़वामी इजलास से खिताब में कहा कि इंतजामिया फंड्स अक़वामे मुत्तहिदा के प्रोग्राम्स के बजाय अमरीकी इमदादी इदारे USAID और मजहबी उमूर पर काम करने वाली दीगर गैर सरकारी तंजीमों के जरिए जरूरतमंद अकलियतों तक पहुँचाएगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ट्रंप इंतजामिया का कहना है अक़वामे मुत्तहिदा की गैर मौसर इमदाद के बायस दाइश के जुल्म बरबरीत से बचकर भागते मसीही, यजीदी और दीगर मजहबी ग्रोहों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। अक़वामे मुत्तहिदा अक्सर औकात कमजोर तरीन ग्रोहों की मदद करने में नाकाम रहा है, बिलखसूस मजहबी अकलियतें। नतीजतन बेशुमार लोग खामखा अज़ियत और सख्त हालात बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। नायब सदर का ऐलान अमरीकी खारजा पॉलिसी में ट्रंप इंतजामिया के उस नए गोल के लिए एक नए कदम की जानिब इशारा है जिसका मकसद दुनिया भर में मसीहियों की हिफाजत करना है। आज से अमरीका जबर का शिकार कम्युनिटीज को USAID के जरिए बराह रास्त इमदाद फराहम करेगा। इस तब्दीली का खैर मकदम अमरीकी कांग्रेस में हकूक इंसानी के लिए सरगर्म एक शख्सियत ने किया। It is landmark. अक़वामे मुत्तहिदा के कैंपों के महफूज होने से मुतलिक खदशात के पेश नज़र रिप्रेजेंटेटिव क्रिस स्मिथ तवील अरसे से अक़वामे मुत्तहिदा पर तब्दीलियों के लिए जोर देते आए हैं। They are a minority. वो अकलियत हैं और उन कैंपों में वो जिस तरह अज़ियत बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं वो इंतहाई हौलनाक हैं। अक़वामे मुत्तहिदा का इदारा बराए बानागुज़ीन और दूसरी एजेंसियाँ अगर तमाम नहीं तो ज्यादातर ईसाइयों तक नहीं पहुँच पाती जिन्हें खुराक, कपड़ों, छत और अद्वियात की अशद जरूरत है। तफसीलात अभी तय की जा रही हैं, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान का कहना है कि माली इमदाद एक जाने पहचाने जरिए से आएगी। पिछली अमरीकी हुकूमतों के मुकाबले में इस इंतजामिया को मजहबी फलाही तंजीमों को माली इमदाद फराहम करने में कोई तामल नहीं। अक़वामे मुत्तहिदा को इसके बावजूद भी कुछ इमदाद तक रसाई हासिल रहेगी, लेकिन हम दीगर जराए की तलाश जारी रखेंगे ताकि मजहबी अकलियतों को ज्यादा मौसर अंदाज में इमदाद दी जा सके। लेकिन सेनेट के एक डेमोक्रेटिक नुमाइंदे इस राय से इत्तफाक नहीं करते और कहते हैं अक़वामे मुत्तहिदा का किरदार कलीदी है। But the United Nations does things in places where we can't go, won't go. अक़वामे मुत्तहिदा की रसाई उन इलाकों तक है जहां हम नहीं पहुंच सकते या जा सकते। वो जगह जहां हम जाना नहीं चाहते उन्हें वसाइल फराहम किए जाने चाहिए। फिलहाल इमदादी इदारों के पास इस वक्त जवाब कम और सवाल ज्यादा हैं। ताहम ये बात वाज़े है कि इस फैसले से इंसानी हकूक के मामले पर कई दहाइयों से अमरीका के लीडरशिप रोल में बुनियादी तब्दीली आ सकती है। कैथरीन जिप्सन के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। अफ्रीकी मुल्क माली पिछले कुछ सालों से दहशतगर्दी और नस्ली फसादात का सामना कर रहा है। मकामी आबादी का सकाफती विरसा और उनका रोजगार छिन ना जाए इसके लिए दस्तकार एक रिवायती कपड़े बोगोलान की तैयारी पर इन दिनों खास तवज्जो दे रहे हैं। ये वो कपड़ा है जिसे बड़े बड़े इंटरनेशनल डिजाइनर ब्रांड्स अपने मलबूसात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बनता कैसे है आइए देखते हैं। माली के मशहूर शहर बुमाको के मुजाफात में एक वर्कशॉप के एक कारखाने के बाहर तुमानी सादियों और उसके साथी हुनरमंद सख्त मेहनत कर रहे हैं।
ये माली के मकबूल तरीन कपड़ों में से एक बोगोलान बना रहे हैं। माइकल कोर्स, गुची और लुई विटान जैसे तमाम ब्रांड्स के लिए हम बोगोलान बनाते हैं। आप जो रंग चाहे मुंतखब कर सकते हैं। वैसे ये सफेद बेजान या कॉटन है, या इसे चमकदार सूती कपड़ा कह सकते हैं। बोगोलान का रंग सफेद होता है। बोगोलान का मतलब है मिट्टी का बना हुआ। ये हाथ से बना हुआ कॉटन का कपड़ा होता है, जिसे खास किस्म के दरख्त के पत्तों में रंगा जाता है और खमीर शुदा कीचड़ के साथ पेंट किया जाता है। चंद बरस पहले 35 साल तुमानी सादियों ने अपनी नौकरी छोड़ी ताकि इस दस्तकारी को अपना पूरा वक्त दे सकें। मैं बोगोलान में नई जिद्दत लेकर आया हूं। मैंने ये बिजनेस इसलिए शुरू किया कि मैं बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया कर सकूं। मैं इनको ट्रेनिंग भी देता हूं। मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ाई और नस्ली फसादात की वजह से माली के लोगों के लिए गुज़श्ता एक अशरा इंतहाई दुश्वार था। ऐसे में जब सियाहत का शोबा हालात की वजह से मुतासिर हुआ है और कारोबार के मौके कम हुए हैं, तुमानी सादियों जैसे हुनरमंद मकामी लोगों को रोजगार के मौके फराहम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। माजी में बड़ी तादाद में गैर मुल्की यहाँ बोगोलान खरीदने आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुमानी सादियों और उसके साथ काम करने वालों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उनके कपड़े की मांग में इजाफा होगा और सयाह भी जल्द लौट आएंगे। बुगासा कोरा के साथ शहनाज नफीस, उर्दू वीओए। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान, एजुकेशन या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज पर। अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस बाहर से दर आने वाले ऐसे पौधों को हटाने में अवाम की मदद ले रही है जो मकामी पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आर्टिस्ट पैरिसन क्लार्क समझते हैं कि इन पौधों से भी फायदा हासिल किया जा सकता है और वो ऐसा करके भी दिखा रहे हैं। 15 साल पहले जब उन्होंने पार्कलैंड से गैर मुकामी जड़ी बूटियों को ख़त्म करने का काम शुरू किया, तब से ही पैटरसन क्लार्क ने पौधों के साथ एक मनफी ताल्लुक पैदा कर लिया था। ताहम उन्हें किसी चीज़ को बेवजह मारना पसंद नहीं था, चाहे वो एक जड़ी बूटी ही क्यों ना हो। कुछ लोग जो खुद रो जड़ी बूटियों की सफाई के लिए अपनी खिदमात पेश करते हैं, उन्हें जंगजू कहा जाता है, लेकिन मैं अपने आप को जंगजू नहीं बल्कि जमा करने वाला समझता हूँ। बकौल उनके, जड़ी बूटियां जमा करने वाला अब उन्हीं पौधों को नई जिंदगी दे रहा है। शुरू में जब मैं किसी पौधे के पास जाता हूं, तो मैं उसकी एक तरह से जांच करता हूं। मैं उसके पास बैठकर उसके मिजाज को समझने की कोशिश करता हूं, उसकी किसी शाख को काट कर स्टूडियो लाता हूं और फिर ये देखने के लिए टेस्ट करता हूं कि ये कुदरती रंग या कागज बनाने या फिर किसी किस्म का रेशा बनाने के लिए काम आ सकता है या नहीं। अदर काइंड्स ऑफ फाइबर, सफ़ेद शहतूत की टहनियाँ कागज बनाने के लिए अच्छी रहती हैं। साल साल के बाद कुछ जड़ी बूटियाँ पैटरसन की ज्यादा पसंदीदा बन गई हैं। अमूमन मैं ऐसी शाख का इंतखाब करता हूँ जो मेरी उंगली से मोटी हो और कलाई से पतली हो। पैटरसन इस अमल का आगाज सफ़ेद शहतूत के छिलके को धीमी आग पर पकाकर इसका गुदा सा बनाने से करते हैं। अगले मरहले में वो इसे एक सांचे में ढालकर इसमें से जितना मुमकिन हो पानी निचोड़ देते हैं। चंद घंटों के बाद तब्दीली का अमल मुकम्मल हो जाता है। This is dampened white mulberry paper. रोशनाई के लिए वो खुद रो आईवी के पत्ते लेते हैं। These are ivy leaves. ये आईवी के पत्ते हैं और ये मेरी सब्ज रोशनाई का माखज है। Source of my green ink. कुछ दूसरे रंग दूसरे पौधों से निकाले जाते हैं। We have yellow from mahonia.
We have aqua. पैटरसन कंप्यूटर पर एक डिजिटल डिजाइन तैयार करके इसे लकड़ी के टुकड़ों पर तराशते हैं। मैं अपने काम में डिजिटल तरीकाकार अपनाता हूं क्योंकि इससे अमल को तेजी से निपटाने में मदद मिलती है। फिर वो पौधों से हासिल की गई रोशनाई लकड़ी के तख्ते पर लगाकर हाथ से बनाए हुए कागज पर छाप देते हैं, जिसका नतीजा जंगली पौधों से आर्ट के नमूने हैं। फैजल मसरी के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। हमारे हफ्तावार सेगमेंट मेड इन पाकिस्तान में आज हम आपको लेकर जा रहे हैं कराची के एक ऐसे शेल्टर होम में जहां रंग और नस्ल और मजहबी तफरीक से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत की जाती है। आइए देखते हैं कि इस शेल्टर होम में किन अफराद को पनाह दी जाती है और यहां दाखिले की शराइत क्या है। बुलंद आवाज से कहकहे लगाते, दिलचस्प अंदाज से बातें करते, दिल की खामोशी को खुश मिजाजी के पर्दे में छुपाते इन अफराद का अपना कोई घर नहीं है। ये आज जिस छत के नीचे रह रहे हैं उसे मगरबी माशों में सीनियर सिटीजन्स होम या ओल्ड पीपल्स होम कहा जाता है। डॉक्टर नजर अली कराची के ओल्ड होम्स में रहने वाले ऐसे तरह बुजुर्गों में बिला मुआवजा खुशियाँ बांटते हैं। ये हमारे जो कान है ना, ये बहुत काम की चीज है। पकड़ो बेटा, है शाबाश, वेरी गुड। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जो रेगुलर लाफ्टर में इन्वॉल्व रहते हैं उनका ब्लड शुगर भी नॉर्मल होने लगता है। हंसी के जरिए बीमारियों को शिकस्त देने की कोशिश करते इस ओल्ड होम की बुनियाद रखी सलीम गिल ने, जो मजहब, रंग और नस्ल की तमीज के बगैर यहाँ आने वाले बुजुर्ग अफराद की देखभाल का बंदोबस्त कर रहे हैं। इनको ये नहीं कभी बावर होने दिया कि वी आर रिलीजन क्या है, ये है एक ह्यूमैनिटी है, मोहब्बत है, प्यार है, भले वो उसमें हिंदू आए, मुस्लिम आए, कोई हम ये चीज़ नहीं देख रहे होते। हम ये देख रहे होते हैं कि हम कितना किसी को खुश रख सकते हैं। लेकिन आराम कितना भी क्यों ना हो, अपनों से दूरी का एहसास उन्हें हमेशा सताता रहता है। रोज होता हूँ मैं कि वो मुझे ले जाए, पर वो नींद दूर है ना, तसली याद आते, घर वालों से दूर मेरे तीन लड़के एक लड़की, लड़के में डॉक्टर है, तीनों मेरे इंजीनियर है। बच्चे का कुछ डिफेंसेस होते हैं, विच आई काम बेयर, बट आई को गो अहेड, आई विल नेवर आस्क वेयर यू आर गोइंग नाउ। सलीम गिल इस वक्त कराची में एक नहीं तीन तीन ओल्ड होम्स चला रहे हैं और कहते हैं कि माली मुश्किलात जब भी आईं, इन्हीं बुजुर्गों की दुआएं उनके लिए आसानियां बांटने का सबब बनती रहीं। जहाँ इस दुनिया में वो लोग हैं जो दूसरों की आंखों में आंसुओं का सबब बनते हैं, वहीं वो भी हैं जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हैं। अगर आप भी ऐसी कोई खूबसूरत कहानी जानते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसे मेड इन पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह था हमारा आज का View 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/voaurdu पर और ट्विटर पर, हमारा हैंडल है @urduvoa। सारे जमान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।